सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर अजम शहबाज शरीफ तलगंग पहुंच गए हैं वजे अजम शिमाली वजरस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर ताज़ियत के लिए जाएंगे तलगंग पहुंचे हैं आपसे कुछ देर पहले वो और आपको ये भी कि वजे अजम मीर अली में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के अहल ख़ाना से ताज़ियत के लिए आज रालपिंडी भी जाएंगे। इस वक्त वो तलागंग पहुंचे वजीर आजम शहबाज शरीफ तलागंग पहुंच गए हैं वजीर आजम शिमाली वजेस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर ताज़ियत के लिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ तलागंग पहुंच गए हैं और वजीर आजम शिमाली वजेस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर ताज़ियत के लिए जाएंगे वजी अजम शहबाज शरीफ तलाकंग पहुँचे हैं और शमाली वजरस्तान में शहीद होने वालों के अहल ख़ाना से ताजियत के लिए पहुँचे हैं मोहम्मद अली ने हमें जॉइन किया है उनसे मज़ीद बात करेंगे क्या अपडेट है अब तक वजे अजम शहबाज शरीफ पहुँच गए हैं तलाकंग जी बिल्कुल अब से कुछ देर कबल वजी अजम शबाज शरीफ बजरिया हेलीकॉप्टर तला का इलाका है टमन वहाँ पे पहुँचे हैं और वो शिमाली वजीरस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन अहमद बदर के घर अब तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे उन्होंने उनके अहल खाना से ताजियत करनी है इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि वजे अजम के साथ जान मुस्लिम लीग में उनकी मकामी जो क्यादत है जो मकामी मेबरान कौमी और सूबाई इसम्बली हैं वो भी उनके हमर मौजूद हैं जी बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली आपने इस बारे में आगाह किया और हम बता रहे हैं वजर अजम शहबाज शरीफ तलाकंग पहुँचे हैं शुमाली वजरस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद अहमद अदर के घर ताज़ियत के लिए वो जाएंगे और यहाँ पर हमारे माँद नुमाइंदे मोहम्मद अली जिस तरह हमें अपडेट भी करें और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून की मकामी क़्यादत हैं एम एन ए हैं एम पी ए हैं वो भी वजे अजम शहबाज शरीफ के हमरा ताज़ियत के लिए जाएंगे वजी अजम मर अली में शहीद होने वाले लेफ्टीनेंट कर्नल सैयद काशिफ़ अली के अहल ख़ाना से ताज़ियत भी करेंगे और अभी वो पहुँचे हैं तला गंग कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद के अह ख़ाना से ताज़ियत और इसहारे हमदर्दी करने के लिए ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं वज़ी अजम शबाज़ शरीफ तला गंग पहुँच गए हैं